सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस, दिस इज राम सोनी। MBPSC 2024 प्रीलिम्स हो चुका है और 2024 प्रीलिम्स होने के बाद में हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा और उन्हें उम्मीद होगी कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे। हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका पेपर ऐसा गया हुआ कि सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन उनकी उम्मीदों से अच्छा गया होगा, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मोरल डाउन नहीं हुआ होगा। उनका यह है कि चलो अगली बार फिर प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनकी उम्मीदों से पेपर काफ़ी ख़राब किया होगा, उनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफ़ी अच्छा पेपर जाएगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश उनका पेपर अच्छा नहीं जा पाया। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में, बिकॉज मोरल डाउन हो गया है तो अब क्या किया जाए। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टडी पैटर्न है, पढ़ने का जो तरीका है, उसको थोड़ी बदलना पड़ेगा। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके पैटर्न में, चूंकि आपने भी एनालिसिस कर लिया हो कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पढ़ने के तरीके में कंप्लीट फेलियर रहा है, ऐसा नहीं होता है। चूँकि हर कोई इंसान यदि वो इच्छा रखता है कि नहीं मुझे इस जगह पहुँचना है और उसके लिए एफर्ट लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि उसने जेन्युइन अपना एफर्ट लगाया है। कभी कभी कुछ तरीकों में हल्का आगे पीछे हो जाता है तो फेल परफॉर्म नहीं कर पाता, फेल वर्ड में नहीं कहूंगा बल्कि परफॉर्म नहीं कर पाता। एक सिंपल सी बात है कि आज मैं एग्जाम देने गया और पिछले 10-15 दिन पहले मैंने कुछ टॉपिक ऐसे पढ़े जो एग्जाम में आ गए, तो मैं 81-82 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं पिछले 10-15 दिन से कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा जो एग्जाम में नहीं आ पाए और मैं 74-75 क्वेश्चन में रह गया। तो बस इतना सा डिफरेंस होने के कारण आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि नहीं, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, उसने भी मेहनत करी है, पूरी हिम्मत दिखाई है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करी है, एक मैराथन रेस होती है उसके लिए उसने एफर्ट लगाया है, तो अपने आप में वो कमेंडेबल है। आपने एफर्ट लगाया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बस मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि कई बार जो आपका जो अचीवमेंट है, जो आप चाहते हो, कई बार वो आपको तुरंत नहीं मिल पाता है। वैसे भी कहते हैं कि कल को आप SDM बन जाओगे, तहसीलदार बन जाओगे, तो कभी आने वाले कल में और जलील होना पड़ेगा। कल को कोई कम पढ़ा हुआ जो एक पॉलिटिशियन है वो आपके सामने बोल के चला जाएगा, और चूंकि वो जनता का प्रतिनिधि है तो आपको भी शांत बैठे रहना पड़ेगा। कई बार हमारे डिपार्टमेंट से भी, जो आप गवर्नमेंट यदि डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, भले आप SDM हो, तहसीलदार हो, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से भी कई बार गलतियाँ होती हैं, बिकॉज हम जैसे चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर आपको सुनना भी पड़ता है। और कई बार जलील इस लेवल पे होना पड़ता है कि मतलब काफ़ी अंदर से कहते हैं बेचैनी सी पैदा हो जाती है, लेकिन तब भी उसको आप कहते हैं ना मोटी चमड़ी बनानी होती है और आपको सुनना होता है। वो फेस आपके अंदर, वो जो स्टैमिना आप कह सकते हो, जो आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी जो आप पैदा होती है मोटी चमड़ी वाली, वो आपको अभी पैदा करनी पड़ती है। तो समझ लो, ये मान के चलो कुदरत जो है वो आपको इस काबिल बनाने का प्रयास कर रही है कि आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट बन पाए। इसलिए एक दो फेलियर जो आपको मिलते हैं, 2-4 फेलियर, कई बार फेलियर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसकी एक वजह होती है। तो उसको कई बार ये सेंस में ना लीजिए कि नहीं नहीं मेरे साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है, कई बार वो एक प्रोसेस होता है, उसे आपको गुजरना होता है। सेकेंड चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें अपने जो मेथड है काम करने की, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। बिकॉज अभी कुछ दिनों से मैंने, अभी कल से आज तक मैं कई लोगों से मैंने बात की, तो उसमें क्या चीज़ें मेरे को निकल के आई जो कि हम लोग थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो अपना सर्कल है थोड़ा सा ऐसे लोगों से बनाएं जो जेन्युइन हो। अपने जो दोस्तों का सर्कल है, एक दो दोस्तों का जो सर्कल है, वो ऐसे लोगों से बनाएं जो थोड़ी सी आपके साथ ईमानदार हों और आप भी उनके साथ ईमानदार रहें। एक हेल्दी कंपटीशन रखें, अनहेल्दी ना रखें कि नहीं इसका हो जाएगा मैं रह जाऊंगा तो फिर ऐसे कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन रखें, ये रहे कि उसका भी हो जाए हमारा भी हो जाए, है ना। तो इस तरह से जो मेंटेलिटी आपकी रहेगी तो आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, ऑनेस्टी ऐसी रखें कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा है और उस टॉपिक में चीज़ें हमें भूलने लग गई हैं या वो टॉपिक हमें एक टाइम बाद हमें भूल गया है, तो वहाँ पे एक ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भूलती हैं। जैसे अभी MBPSC का एग्ज़ाम हुआ है और
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपको मिले होंगे जो क्लेम कर रहे होंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस का, जो आमतौर पे लोगों से नहीं बनने की संभावना होती है, उसको क्लेम कर रहे होंगे नहीं नहीं ये तो मेरे से बनना ही था, हालांकि वो ऐसा था कि वो बाई लक उनसे बन गया। या हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस टॉपिक को ही पढ़ लेते हैं रैंडमली और वो चीज़ें हमसे बन जाती हैं, तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कई बार लोग कुछ लोग क्लेम करते मिलेंगे नहीं नहीं ये तो मेरे से बनना ही था, मतलब ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल याद थी, आई वॉज मेड फॉर दैट। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा सामने वाले के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी मेरे से ऐसे दिक्कतें हुई थी, बट हाँ ये कि इसको मैंने 2-3 बार रिवाइज किया तो चीज़ें मेरे को रिकॉल हुई। लगभग जो क्वालिफाई करते हैं उनकी भी कंडीशन ऐसी ही होती है कि उनको भी नहीं पता कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, बट ये है कि एग्जामिनेशन में उन्होंने बैलेंस प्रॉपर तरीके से बना लिया होता है, उनका गेस वर्क प्रॉपर तरीके से हो गया होता है, और कुछ बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम लोग आमतौर पर करते हैं एग्जामिनेशन के लिए गेस वर्किंग के लिए, तो वो उनका अच्छा हो जाता है और दिन दिस हाउ दे गेट सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता कि 81-82 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है तो किसी को 81-82 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, है ना। लोगों से यूजुअली जिनका सिलेक्शन भी होता है तो उनको भी यूजुअली उससे 60-62 क्वेश्चन ही बनते हैं, मैं बहुत कहूँगा कि 65 क्वेश्चन तक आप चले जा सकते हो। उसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो गेस वर्क से ही होते हैं, 100% सियोरिटी नहीं होती है, कुछ इंट्यूशन होता है, कुछ गेस वर्क होता है, कुछ एक दो फैक्टर को हम अपने हिसाब से कंसिडर करते हैं और उसके बाद में हम आंसर तक पहुँचते हैं, एंड दिस इज हाउ वी गेट सिलेक्शन। ऐसे ही लगभग जो क्वालिफाई करते हैं उनका लगभग ऐसी कंडीशन होती है। तो मैं आप लोगों से फिर ही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है अपने इम्प्रोवाइज करें आप थोड़ा सा, कि अपना सर्कल जो अच्छा रखें जिसमें आपके ऑनेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, और कहते हैं ना कि यदि कोई अच्छा संगत ना मिले तो बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, दैट्स फाइन, लेकिन अच्छी संगत ढूंढना ज़रूरी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि सर्कल जब अच्छा होता है ना तो माहौल अच्छा बनता है, और जब माहौल अच्छा बनता है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे काम करने की इच्छा नहीं है लेकिन सामने वाला आपको खींच के ले जाता है, और कभी कभी उसकी इच्छा नहीं है तो आपको उसको आप खींच ले जाते हो। तो दिस इज हाउ थिंग वर्क्स, इसलिए कहते हैं सर्कल होना ज़रूरी है और ईमानदार दोस्तों का साथ ज़रूरी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से एक और सजेशन देना चाहूँगा कि देखो हमारे यहाँ सिविल सर्विस तैयारी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं और कई लोगों को लगता है कि रीडिंग करने से काम चल जाएगा। देखो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं उनको याद करना ही ज़रूरी होता है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि अभी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए कि अभी अर्जुन पुरस्कार किस फील्ड में मिला, जैसे प्राची यादव का क्वेश्चन आया था एक पैरा कैनोइंग का, है ना, एक ओम प्रकाश शर्मा जी का क्वेश्चन आया था, है ना, दैट वाज फ्रॉम मार्च लोकनाट से। ऐसे क्वेश्चन यदि गलत होते हैं इसका मतलब ये है कि आपने चीज़ों को याद नहीं किया, मतलब कुछ चीज़ों को आपको याद करना ही होता है, और याद करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो ये तरीका है कि आप उसको 25-30 बार पढ़ो तो वो चीज़ याद हो जाती है, है ना। यदि किसी भी चीज़ को यदि आप 25-30 बार देखो कितनी भी वो अननोन लगे लेकिन उसमें आपको कनेक्शन महसूस होने लग जाता है कि हाँ इसका ऐसा है इसका ऐसा है। या तो दूसरा तरीका है कि उसकी कोई स्टोरी के फॉर्म में उसको आप कनेक्ट कर लो, है ना, यदि कोई स्टोरी बना लिया यदि आपने कोई ट्रिक बना लिया आपने तो वो चीज़ जल्दी रिकॉल हो जाती है, मतलब कम मेहनत से आप उसको रिकॉल कर सकते हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप दोनों मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रिपीट मारो रिवाइज करो, या तो आप कोई ट्रिक बना लो और उसके बाद उसको याद कर लो, बट ये करना ही पड़ेगा। सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, कुछ फैक्ट तो याद होने ही होने चाहिए, है ना। तो ये जो रटने की जो प्रैक्टिसेस हैं ये थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा सलूशन नहीं है। तो कोई सोचे कि नहीं सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप करोगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात मैं आप लोगों से एक और कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें हैं कि अब पेपर ख़राब गया है, लोग सवाल पूछेंगे कि भाई इतने सालों से तैयारी कर रहे हो अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या जवाब देंगे। देखिए आप किसी को जवाब देने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप किसी को अपीस करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक अच्छे ओहदे में जाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। और ऑब्वियस बात है आप SDM बनने के लिए यदि पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अचानक से एक झटके से आप इतने बड़े अधिकारी बन जाओगे तो उसका जो पेन है उसका दर्द है वो तो बियर करना पड़ेगा ना। तो भाई यदि थोड़ा जलील आप हो भी रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
और बहुत ज्यादा लोगों पे आप ध्यान ना दें, अपने आप पे फोकस करें, अननेसेसरी लोगों से दूर ही रहें, तो उसमें ज्यादा भलाई है आपकी। वैसे भी कहते हैं बिना मतलब के लोगों से बातचीत करना भी आपकी प्रिपरेशन को डाउन करता है, आपके फोकस को डाउन करता है। तो जरूरी है कि आप यहाँ पे अपने आप पे फोकस करें और अपना फ्यूचर प्लानअप बनाएं। हाँ, ये जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे हमारे फ्रेंड से कहना ये था कि जो पढ़ाई हम करेंगे वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान बनाएं। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी को 2025 प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करनी नहीं है, 2025 के मेंस की तैयारी करनी होगी, है ना। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हें 2024 का प्रीलिम्स मेंस देना है, जिनका नहीं हो रहा है उनको 2025 के मेंस की तैयारी करनी है, और 2025 के मेंस के भी डेटा ही नहीं है, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी जो है अपने मेंस के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करें। किस दो पार्ट में, कौन कौन से पार्ट होंगे? एक पार्ट होगा जिस पार्ट को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, है ना। ये टॉपिक ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, इनको आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, अभी प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान तो पढ़ाई है, तो इनको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है, और रिविजन करने के साथ साथ आपको इसमें आंसर राइटिंग करनी है। टीवीएस से क्वेश्चन आप ले सकते हैं, या किसी कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप उसको ले सकते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी ही करनी है। जितनी आंसर राइटिंग आपकी ज्यादा होगी उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और उतनी बेहतर तैयारी होगी। यदि कोई सोचे बिना आंसर राइटिंग करे वो सिलेक्शन ले लेगा एमपीपीएससी में, ऐसा बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है। तो आपको आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, दैट इज ओनली वे आउट, है ना। तो जो चीजें आपकी प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं या आपको लगता है कि उसमें आपका एडिक्वेट प्रोपोर्शन आपने कंप्लीट कर रखा है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो पढ़ ही रखा है सबने, तो वहां पे आप क्या करना है, आपको रिविजन करना है सिलेबस को और वहां पे आंसर राइटिंग करनी है। तो अपने दिन को दो पार्ट में डिवाइड करो कि जो आपने चीजें पढ़ रखी हैं उसको रिविजन करना है और वहां पे आंसर राइटिंग करनी है, और दिन का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें जो चीजें आपकी नहीं हुई हैं, जैसे आप लोगों ने एथिक्स नहीं पढ़ा होगा, जैसे आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, सोशोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, ऐसे टॉपिक जो आपके सिलेबस में बाद में ऐड हुए हैं या जो टॉपिक आप आमतौर पर प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान नहीं पढ़ते हो, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो ये दो पार्ट में आपको अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है ना। और इस तरह से यदि आपने अगले 2-3 महीने कस के पढ़ाई करी तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और आपका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन भी कंप्लीट होगा। अननेसेसरी लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, अननेसेसरी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। कोई ये बोले कि नहीं तुम ये इस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो, कभी कभी सिचुएशन होती है, कभी कभी साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती है, उन सभी के मीट होने पर फिर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, ऐसे लोगों को अवॉइड कर लो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कई बार हमारे घर के लोग भी हमारी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं नहीं एक्चुअली दुनिया की हर किसी का एक हैबिट है, वी वॉन्ट द रिजल्ट, बट जो प्रोसेस में सपोर्ट करना चाहिए वहां पर हम सपोर्ट करने नहीं जाते, हम लोग रिजल्ट चाहते हैं। और लगभग हर किसी की कंडीशन है, मतलब हर किसी का तो नहीं कहूंगा, जनरलाइज नहीं कहूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग कंडीशन है ये कि वो प्रोसेस में सपोर्ट नहीं करना चाहते, बस हाँ ये कि यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया तो जरूर आपको जलील करने पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करें, इससे भलाई है। और मैं आप सभी लोगों को MBBSC के अगले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं भी दूंगा और साथ में भी कहूंगा कि लाइफ में बहुत बड़े चैलेंज आने हैं, अभी तो बहुत कुछ हैंडल करना है, अभी तो पारी शुरू हुई है, तो अभी आपको मोरल डाउन नहीं करना है, अभी तो आने वाले जनरेशन में, आने वाले टाइम में आपकी फैमिली भी होगी, और जिन लोगों की होगी वो ऑलरेडी झेल रहे होंगे, देख रहे होंगे, झेलना नहीं कहूँगा बट देखना कहूँगा, कि उनके बच्चों को भी उन्हें मोटिवेट करना होता है, हर किसी चीज़ को हैंडल करना होता है विद प्रॉपर केयर, और ना सिर्फ आपको केयर करना होता है बल्कि अपने अंदर मोटिवेशन ही बनाए रखना होता है, तब जाके आपके आसपास के लोग मोटिवेट होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के फेलियर से बस केवल आप डाउन ना फील करिए, भी तो लाइफ बहुत आगे जानी है, तो मोटिवेशन को बनाए रखिए। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, और आप लोगों के लिए कोई डाउट्स हैं तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मन बहुत दुखी होता है और ऐसी कंडीशन में यदि आप किसी से बात करते हैं तो मन आपका हल्का हो जाता है ना। तो आप बात कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी मेरा है ही है। और यदि कोई ऐसा डाउट लगता है कि जो यहाँ पे कमेंट करने लायक है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उसका रिप्लाई करूँ। तो फिलहाल डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से, आप लोगों की फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।
मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।